हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और नज़ारा आप देखिए पूरे दिल्ली का कैसे हो रहा है, और पानी का फुहारे जैसे पड़ रहा है। बिल्कुल आज बहुत अच्छा मौसम है, दिल्ली में 2-3 महीने बाद ऐसा मौसम आया है और काफ़ी अच्छा है। तो चलिए मैं आपको अपना गार्डन दिखाती हूँ। छोटा सा गार्डन हो गया है क्योंकि रेंट पर रहते हैं, ये आप लोगों को भी पता है। और देखिए अभी दिवाली तक में क्या प्लान बनता है, क्या नहीं, आप लोगों के लिए सरप्राइज़ भी है। तो चलिए मैं चलती हूँ गार्डन की साइड। तो आइए हमारे साथ बने रहिएगा। और ये देखिए राणा अंकल का मकान भी पूरा रेडी हो चुका है। हेलो। तो आइए ये देखिए, ये देखिए एक ये हो गया, और ये जो सपना सिलाई थी ये भी काफ़ी बड़ा हो गया है। वो इसमें आता है येलो कलर का फूल। और ये देखिए मोर पंख है, तो इसको भी देखिए पूरे दिखा तुलसी, और बहुत सारी तुलसियां हमारे यहाँ हो गई हैं, जो कि एक तुलसी नहीं होती थी हमारे यहाँ पे। ये देखिए, और निमोड़ी भी फिर से लगा दी हूँ मैं, ये है निमोड़ी। और ये देखिए शमी का पेड़ कितना बड़ा हो गया है, और इसका मैं वो भी गमला भी चेंज कर दी हूँ, सीमेंट का गमला कर दी हूँ। और मैं तेरे से भी चल के दिखाऊं, इसके लिए क्या के वहाँ फ्रिज में रख दूंगा, मुझे आ जाना अभी के शाम के पूजे की चढ़ा देना। हेलो वेदा, एलोवेरा दिखा दो, ये चीटी। अब बोलो बोलो। बहुत सारी तुलसियाँ लटक भी गई। और ये देखिए ये तोरी भी हमारे यहाँ पे हो गई है, और इसको तो देख ही चुके हैं आप। और ये देखिए तुलसा माता भी काफ़ी हो गई हैं, और मोर पंख भी है, और बहुत सारे गमले हमने वो कर दिए, निकाल दिए हैं। रुक जाओ, तिरंगा। और ये देखिए तिरंगा भी, और ये देखिए मकान भी रेडी हो गया है राणा अंकल का। ये देखिए तिरंगा भी उड़ा दिया अंश। और ये देखिए वहाँ पे हमारे रेलवे भी बन रहा है मेट्रो स्टेशन के पास, तो मेट्रो भी जाएगी बुलंदशहर को, तो वो भी है। और दिल्ली का नज़ारा आप लोग देखिए, ये देखिए कितना अच्छा है और बहुत प्यारा है। तो आप हमारे ब्लॉग पे बने रहिएगा। और हाँ, अभी पीतल चल रहे हैं, तो जैसा कि मैं बताई हूँ कि साबुन और ये सब चीज़ें, तेल, क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, सब कुछ छूटा हुआ है, अभी नहीं लगा रहे हैं क्योंकि हमारे ससुर जी एक्सपायर हो गए थे, तो इसलिए हम लोगों को मानना पड़ रहा है। अब मानती भी हूँ मैं इन सब चीज़ों को, बहुत मानती हूँ, जितना मेरे से हो सकता है, तो जितना मेरे से हो सकेगा उतना मैं मानूंगी, और किसी के कहने पे मैं नहीं जाती, जो मेरा दिल और मन कहता है वही करती हूँ। और शाम के रोज़ उनके आत्मा के शांति के लिए मैं रोज़ एक दिया भी जलाया करती हूँ, और पानी भी एक गमले में मैं डाला करती हूँ। जितना मेरे से हो सकता है उतना मैं करती हूँ, और भगवान से यही विनती है कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दो। तो इस बार हमारे जो हस्बैंड जी के दादा ससुर, मेरे दादा ससुर हैं और मेरे हस्बैंड के बब्बा हैं, वो एक्सपायर हो गए हैं, इस वजह से नहीं जा रहे हैं घर, क्योंकि घर जाते तो घर में पापा जी की श्राद्ध होती, तो इस वजह से श्राद्ध नहीं हो रही है। मेरे हस्बैंड के दादाजी एक्सपायर हो गए हैं, तो इस वजह से 1 साल तक मानते हैं, और त्योहारों में मैं कढ़ाई भी नहीं चढ़ाई थी। तो यही सब चीज़ें हैं,
तो चलिए फिर मिलती हूँ। और हाँ, सपोर्ट ज़रूर करिएगा, सपोर्ट नहीं करते हैं तो काफ़ी दुख भी लगता है मुझे। अगर आप लोग नहीं सपोर्ट करेंगे तो मैं हो सकता है चैनल भी बंद कर दूँगी दिवाली तक में, और हो सकेगा तो दिवाली से पहले भी बंद कर सकती हूँ। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और हाँ, मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताइएगा मेरी वीडियो में क्या चीज़ की कमी है, तो मैं वो चीज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ले आऊँगी। ज़्यादातर यही सब चीज़ें हैं मेरे पास, जो है वो मैं दिखा देती हूँ। हाँ, कमरे का भी कभी कभी दिखा देती हूँ, ऐसा नहीं है। तो चलिए फिर आगे वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।